फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बाजार से जो रेडीमेड की मिलती है उसको हमने चलाना कैसे होता है। ये बिगनर्स के लिए स्पेशल वीडियो दे रही हूँ क्योंकि करवा चौथ आ रहा है और हर एक की इच्छा होती है कि मैं अपने आप मेहंदी लगाऊं या मुझे मेहंदी लगानी आता हो, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे हम कीप लेके आते हैं और हमारे से कीप चलती नहीं है क्योंकि उसे हमें पकड़ने का चलाने का ढंग नहीं आता। तो आज मैं स्पेशल उनके लिए वीडियो बनाने जा रही हूँ। उम्मीद है आपके वीडियो बहुत ही काम आएगी, आप इसे ट्राई जरूर करें। और इसे बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार आ रहे हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरी हर अपडेट जल्दी से जल्दी पा सके और इजी से इजी रेमेडी का फायदा उठा सके। तो चलिए हम देखते हैं कि कीप को कैसे पकड़ा जाता है और कैसे चलाया जाता है जिससे कि आप इजीली मेहंदी लगा सकें। तो ये कीप है सिल्वर गोल्ड, सिल्वर गोल्ड नाम से ये कीप है। बहुत ही अच्छी ये कोन है, आप देख रहे हैं कि इसके आगे एक छोटा सा पिन होता है प्लास्टिक का, ये जो कि इसके आगे के सुराख को बंद करके रखता है। तो हमने इस पिन को बाहर निकालना है। सबसे पहले ये हमने पिन को बाहर निकाल लिया है। अब हमने हल्का सा कैंची से कट करना है इसको, बिल्कुल हल्का सा हमने कट किया है। अगर आपको जरूरत नहीं महसूस होती तो ना भी करें, लेकिन इसे कट करने से थोड़ा इजीली हम मेहंदी को लगा सकते हैं। अब हमने पकड़ना कैसे है, ये फिंगर जो हमारी है इसे हम ऊपर की तरफ इस तरह रखेंगे जैसे हम एक पेन को पकड़ते हैं, और ये वाली फिंगर जो है इसे हमने नीचे से सपोर्ट देनी है। और इस मेहंदी की कीप को चलाने के लिए जो हमने थंब है, ये हमारा थंब है, इससे हमने प्रेशर देना है। आपने अक्सर देखा होगा कि लाइन कभी पतली कभी मोटी ऐसे हो जाती है, तो सारा जो कमाल है, सारा जो काम है वो थंब का होता है कि थंब हमारा प्रेशर किस तरह देता है। कीप चलाने टाइम अपने जो प्रेशर है वो थंब से देना है, कुछ इस तरह से, इस तरह से हमने प्रेशर देना है। एक हमने टिश्यू साथ रखना है मेहंदी लगाने के टाइम ताकि हम कपड़ों को खराब ना करते रहें, क्योंकि हमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद कीप को साफ करना पड़ता है। ये हमारी जो कीप है आगे से ये खराब हो जाती है, यानी मेहंदी बार बार बाहर निकलती है तो इस जगह पे जमना शुरू हो जाता है, तो इसे हमें साफ करना पड़ता है। तो हम टिश्यू के साथ इस तरह से साफ करते जाएंगे। और कई बार फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी ऐसा होता है कि कीप चलाते चलाते हमारी कीप अड़ने लग जाती है, प्रेशर भी दे रहे हैं फिर भी नहीं निकलती। तो उसका कारण क्या होता है कि हमारी मेहंदी के अंदर बारीक बारीक कण होते हैं, जो कण अंदर फंस जाते हैं आगे की तरफ, तो वो मेहंदी निकलना बंद हो जाता है। उसके लिए हमने इस तरह से प्रेशर देना है और इस तरह से हमने पकड़ते हुए इस तरह से हमने कर देना है ताकि वो जो अंदर कण फंसा हुआ है निकल जाए। अगर उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि वो नहीं निकला तो आप पिन लेके जो इसमें से निकली है वो ले सकते हैं या सुई ले सकते हैं, कुछ भी लेके इसमें मार दे आगे की तरफ से सुराख के अंदर, तो उससे भी वो एकदम से कण निकलेगा और एकदम से मेहंदी बाहर निकलेगी, तो वो जो कण है फंसा हुआ निकल जाएगा और आपकी मेहंदी जो है बिल्कुल ठीक से निकलनी शुरू हो जाएगी। इस तरह से हमने इस मेहंदी को चलाना है। उम्मीद है आपके समझ में आ गई होगी कि मेहंदी को रेडीमेड कीप को हम कैसे चलाते हैं, रेडीमेड कोन को हम कैसे चलाते हैं मेहंदी कोन को। तो इसी तरह से आप मेहंदी लगाएं और एंजॉय करें, लेकिन थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। थोड़ा सा आप अगर प्रैक्टिस करेंगे 2-4 दिन तो आपकी मेहंदी जो है इजीली लगनी शुरू हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि करवा चौथ आने तक आपको कीप अगर नहीं चलाना आता, नहीं पकड़ना आता, तो आपसे कीप अच्छे से चलनी शुरू हो जाएगी। डिज़ाइन बहुत सी वीडियोज़ हैं, मैंने भी पहले दे रखी हैं, डिज़ाइन के लिए बहुत ईजी डिज़ाइन है। अभी आगे भी मैं 1-2 वीडियो दूंगी, जिसको नहीं भी मेहंदी लगाना आता वो भी मेहंदी लगा सके बहुत सिंपल तरीके से। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही काम आएगी, बहुत पसंद आएगी। आप इसी तरह से कीप चलाने की प्रैक्टिस करें और मुझे बताएं कि आपको कीप चलाना आ गया है, आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अपने एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ शेयर जरूर करें कमेंट बॉक्स में। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नई चीज के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।